हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अकेडमी मैं आपको यहाँ सोशल साइंस पढ़ाऊंगी और सोशल साइंस में आपको बोर्ड की पढ़ाऊंगी क्लास की उसमें क्या है हम टेंड टर्म का सिलेबस कवर अप करेंगे ठीक है सेकेंड टर्म में आपके पहले क्या है सेकेंड यूनिट आ रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव तो हम वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या पार्ट्स है सबको वन बाय वन कवर अप करेंगे ठीक है गाइस तो पहली चीज हम क्या देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट ठीक है यूनियन गवर्नमेंट उसके क्या होते हैं टू पार्ट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव होता है और दूसरा क्या होता है लेजी होता है हमें कौन सा पढ़ना है हमें एग्जीक्यूटिव पार्ट को पढ़ना है ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? तो यूनियन गवर्नमेंट जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी पूरी इंटायर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसी को ही कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट ठीक फिर एग्जीक्यूटिव होता है लेजिस्लेटिव होता है एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो सारे के सारे वर्क करते हैं ठीक है ऑफिसर्स वगैरह होते हैं और लेजिस्लेटिव में क्या होते हैं हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं जो बिल बनते हैं अमेंडमेंट्स होती हैं वो सारे लेजिस्लेटिव फंक्शन में हमारी इंक्लूड होती हैं ठीक है फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया आई होप सो फिर अब देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव ठीक है तो एग्जीक्यूटिव के कुछ पार्ट्स इसमें गिवेन है पहला क्या है हमारा प्रेसिडेंट है ठीक है यानी कि राष्ट्रपति की बात करेंगे फिर उसके बाद क्या है वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति ठीक है ये चीज़ें आएंगी फिर उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक है गाइज तो ये सारी चीज़ें हमारे फाइव पार्ट्स होते हैं किसके अंदर होते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर होते हैं ठीक है. अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव के हमारे ठीक है तो लेजिस्लेटिव के पार्ट्स क्या होते हैं थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता तो है पहला क्या होता है हमारा देखिए हाउस होता है ठीक है फिर उसके बाद आता है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फिर उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज ठीक है लेजिस्लेटिव में क्या हाउस होता है हमारा हाउस के क्या है टू पार्ट्स होते हैं एक राज्यसभा है और एक हमारा क्या है लोकसभा है ठीक है गाइस तो ये क्या है राज्यसभा और लोकसभा लोकसभा में बेसिकली क्या होते हैं जो मेंबर्स होते हैं हमारे वो इलेक्टेड होते हैं ठीक है और राज्यसभा में हमारे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और कुछ इलेक्टेड भी होते हैं ठीक है उसके बाद हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं कि, कि किस तरीके से बिल पास हो रहा है कैसे मीटिंग चल रही है सेसन्स चल रहे हैं वो सारी चीज़ें आती है। फिर हैं फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट कुछ कमिटीज़ बनाती है स्पेसिफिक वर्क के लिए ठीक है गाइस इतनी चीज़ें आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी ठीक है ना अब हम क्या करेंगे बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट ठीक है मैं आप लोग इतना सारा तो नोट कर सकते हैं मैं इसको इरेज करके फिर आपको प्रेसिडेंट से स्टार्ट करूँगी ओके फ्रेंड्स आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं द प्रेसिडेंट ठीक है तो हम पहले क्या देखेंगे कि प्रेसिडेंट के अबाउट देखेंगे मतलब है क्या फिर उसके बाद देखेंगे हम क्वालिफिकेशन फिर देखेंगे हम कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉल कॉलेज ठीक है गाइस अब सपोज हम क्यों जानना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रेसिडेंट क्या है उनका काम क्या होता है बस देखते हैं कि प्रेसिडेंट कई सारे चीजों का इनोग्रेशन वगैरह करते हैं बस न्यूज में देख लेते हैं लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्रेसिडेंट कौन है तो आज हम यही देखेंगे तो पहले देखेंगे हम अबाउट ठीक है तो अबाउट में क्या है प्रेसिडेंट कौन होते हैं हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं हेड ऑफ द स्टेट ठीक है आप लोग बच्चों कंफ्यूज नहीं होना हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो इस पॉइंट में मोस्टली क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट होते वही होते हैं क्या हेड ऑफ द स्टेट ठीक है ये चीज क्लियर हो गई अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कमांडर होते हैं जो डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया के वो कौन होते हैं प्रेसिडेंट मतलब जी आर्मी

काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस परफॉर्म करेंगे ठीक है अपने मन से कुछ नहीं करेंगे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही वो अपने वर्क को करेंगे ये किसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ठीक है गैस अब हम क्वालिफिकेशन देखेंगे क्वालिफिकेशन हम क्यों देखते हैं क्यों पढ़ाया जाता है गैस जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं सब की सब आपके लाइफ से कनेक्टेड होती हैं सपोज आप लोग जैसा सोचेंगे कि मुझे आ, इंजीनियर बनना है तो आप लोगों को क्या पता होता है कि पहले क्या करना होता है आपको ट्वेल्थ पास आउट करना होता है ठीक है क्वालिफिकेशन क्या हो, चाहिए होती है इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें ठीक तो उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों को आई का एग्जाम वगैरह कॉलेज ज्वाइन करने होते हैं है ना यही मीन्स का पेपर देना होता है फिर उसके बाद कॉलेज मिलता है बी टेक करते हैं एम टेक करते हैं तब जाके हम कहीं इंजीनियर बन पाते हैं ठीक है बच्चों ये चीज़ समझ में आई ऐसी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे आप लोगों ने फॉर्म वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या रहता है क्वालिफिकेशन दी रहती कि हाँ आप एक टाइप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंशन होता है उसके थ्रू हम लोग क्या है कि अपना अपना फॉर्म भरते हैं देखते हैं कि हम किस में फिट हो रहे हैं किस जॉब में ठीक है उसी तरह के प्रेसिडेंट है इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चों को कि आप लोग साथ फ्यूचर में सोचे रहे मैं भी बनूंगा पी मैं भी बनूंगा प्रेसिडेंट तो इसलिए ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है तो हम क्वालिफिकेशन देखेंगे उसमें भी जैसे कि मैंशन होते हैं फॉर्म्स में आपके कि ट्वेंटी ईयर है

ठीक फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा थर्टी फाइव ईयर एज यानी कि जिस दिन वो ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो उस दिन क्या होनी चाहिए उनकी एज थर्टी फाइव कम्प्लीट हो जानी चाहिए उससे कम नहीं होनी चाहिए अगर ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है लेकिन थर्टी फाइव होनी चाहिए ठीक है फिर पॉइंट नंबर हमारा जो थर्ड रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है क्या है कि मेम्बर ऑफ लोकसभा यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के अंदर यानी जो पर्सन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है उस पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए कि लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए ठीक है तो ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया पॉइंट नंबर थर्ड अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर फोर नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन गवर्नमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट और इन द लोकल गवर्नमेंट ठीक है गाइस और यार तो लोकल अथॉरिटी भी हम कह सकते हैं ये इसलिए पॉइंट ऐड किया जाता है ताकि प्रेसिडेंट के हमारे बायस ना हो जाए ठीक है वो कंट्री के पीपल्स के बारे में सोचे इस वजह से ये पॉइंट ऐड किया जाता है यहाँ पर ठीक है यानी कि किसी भी तरीके का उनका प्रॉफिट कमाने का पैसा कमाने का दूसरा जरिया ना हो उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो एज अ प्रेसिडेंट कंट्री के वर्क करें इस वजह से ये क्वालिफिकेशन दी जाती है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है गाइस ये अलग पॉइंट आई तो सो, सो क्लियर हो गया होगा आपको अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट री इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने का जो कैंडिडेट है सपोज वो प्रेसिडेंट बन गया ठीक है अब वो दोबारा मतलब उसका फाइव ईयर का टर्म कंप्लीट हो गया सपोज फिर उसके बाद वो चाहे कि हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा लड़ें ठीक है मतलब हम दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम ये मेंशन नहीं है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग यूएसए का एग्जांपल ले रहे अमेरिका का तो वहाँ पे क्या जैसे कि बराक ओबामा उनका टू ईयर का टर्म मतलब पूरा हो गया मतलब सपोज टू टर्म पूरे हो गए मतलब कि जितना भी उनका टेन्योर था वो पूरा हो गया मतलब दो बार वो क्या हो गया कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं ठीक है तो उसके बाद क्या है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं वहां पर ऐसा लॉ है ठीक है कि मतलब कोई भी पर्सन दो बार प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद वो थर्ड बार प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है ठीक है गाइस तो ये चीज़ें आप आई होप से आप लोगों को क्लियर हो गई इंडिया में क्या हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की पोस्ट कितने भी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं कोई इशू नहीं है ठीक है गाइस अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज जरूर आंसर करिएगा जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के वो कौन है प्लीज जरूर बताएगा और करंट में कौन है वो भी जरूर बताइएगा ठीक है ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है अब हम देखते हैं कि क्या होता है कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉल कॉलेज ठीक है मतलब अब इलेक्शन कैसे होगा कौन कौन इनका इलेक्शन कराएगा ठीक है कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे तो पहली चीज़ें आप लोगों को ये समझनी होगी बच्चों कि क्या है कि जो हम लोगों का वोटर आई डी बनते हैं हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं जाके तो वो डायरेक्ट जो हम लोगों का वोट होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं होता है ठीक है मतलब वैसे इलेक्शन नहीं होते हम लोग जिनको चूज करते हैं एम को एम को वोट करते हैं वो एम और एम पीज़ के हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन में वोट करते हैं ठीक है आई होप सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ठीक है तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा यहाँ पर है वो क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है इनडायरेक्ट होता है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ना अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस यानी कि इसमें क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के ठीक है सिर्फ इलेक्टेड ये अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना आपको कि इलेक्टेड मेंबर ठीक है गाइस इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड नहीं राज्यसभा लोकसभा या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह का जो स्टेट्स की होती है उन सबके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्या नहीं करते हैं माइंड में अच्छे से रखना है कि इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं किसके बोथ हाउसेस के ना पॉइंट नंबर थर्ड जो हमारा आया लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एलेज ऑफ स्टेट यानी कि जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स में क्या कर रही हो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो क्या करते लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि डिफरेंट स्टेट्स की होती है तो उनके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है यानी कि लेजिसलेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ठीक हमारा फोर्थ पॉइंट आता है यूटीज ऑफ डेली एंड पुडुचेरी मतलब इसका क्या है कि हमारे जो यूनियन टेरिटरी पर जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है ठीक है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी तो इनके क्या है कि इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है गाइज इतनी चीजें आई होप सो क्लियर हो गई होंगी इतने पॉइंट्स आपको क्लियर और इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं मैं भी आपको बता दूँ पहले आप लोग इतना जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा ठीक है तब तक मैं इरेज कर देती हूँ और फिर आपको यहाँ से पॉइंट नंबर फिफ्थ से स्टार्ट करूंगी ठीक है बच्चों आई होप सो इतना तो समझ में आ गया होगा ना कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं ठीक है